यही वक्त है, अब हमला करेंगे, आ जाओ। सरद गाजी के सिपाही, सुल्तान नूरुद्दीन कहीं चले गए हैं, उनकी गैर मौजूदगी में मलिक मौदूद उनके कायम मुकाम है, और अब्राहम मलिक मौदूद से मिलने महल आया था। वो ताबूत लेने आया होगा। क्या मलिक मौदूद ताबूत दे देंगे? उन्हें उसकी अहमियत का कोई अंदाजा नहीं। हमें महल पहुंचना होगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। मगर रास्ते तो बंद है अमीर। कुछ भी हो जाए हमें वहां पहुंचना है। अगर अब्राहम कामयाब हो गया तो हमारा मंसूबा खाक में मिल जाएगा। चले। मेरे सुल्तान, आप अपना मुहाफिज दस्ता भी नहीं लाए, सिर्फ चंद सिपाही हमारे साथ हैं। हम इस आम से हुलिये में मदीना किस लिए जा रहे हैं? अगर हमारी आमद की खबर फैल गई तो वो लोग जो रोजाए रसूल के लिए खतरा हैं, हमारी आमद की खबर सुनकर गायब हो जाएंगे। हम उन्हें गफलत में जा दबोचेंगे। जिसके पास जितना भी माल है निकाल दो फौरन और हमारे हवाले कर दो, जल्दी। भाई हम तो गरीब हैं, हमारे पास कोई माल नहीं। मैं तेरी जान ले लूंगा। अरे ये क्या है, बस यही है कंगला कहीं का। जल्दी इन्हें तंग मत करो और जो माल इनसे लिया है लौटा दो फौरन। और अगर ना दे तो क्या करोगे? एक लाख सोने के सिक्के बतौर खराज और इसके साथ सुलह का माहिता भी कर लेंगे आपसे। क्या जंग बंदी का सहरा कायम मुकाम सुल्तान के सर नहीं बंधना चाहिए? तुमने सुल्तान नूरुद्दीन से भी कहा था, जब वो नहीं माने तो मैं कैसे मान लूं? उन्हीं के पास आ रहे थे हम तो, लेकिन उनकी जगह आप हैं, और मुझे पूरा यकीन था कि वो मेरी पेशकश कबूल फरमा लेंगे और सलाहुद्दीन को रियासत मजीद खतरे में डालने की इजाजत हरगिज ना देंगे। पेशकश अच्छी है तुम्हारी, लेकिन ये काफी नहीं। सलाहुद्दीन के कबीले से तुम अपनी फौजें भी हटाओगे। हाँ क्यों नहीं, ठीक है।